आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है और चारों तरफ मिठाइयाँ पूरियाँ यही सब खाने को मिल रहा है। चलिए आज हम बनाते हैं आलू दम बिरयानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। चलिए फिर बनाते हैं आलू दम बिरयानी। आलू दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है चावल, या 2 गिलास चावल है, जो वही चावल है ये जिसे हम घरों में अक्सर यूज करते हैं खाने के लिए। आज हम इसी का बनाएंगे आलू दम बिरयानी, यह बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलिए इसे हम वॉश कर देते हैं, धो लेते हैं। यहाँ पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए पानी हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, लौंग के 4 लौंग, 4 1 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी। इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं पानी को। पानी के अंदर से जब गुनगुनेपन की आवाज़ आने लग जाए तो समझिए कि हमारा पानी जो है गर्म हो गया है। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने पहले से ही धोकर रख रखे थे। ये देखिए इसे चला लेते हैं और चावल को हम थोड़ी देर पकने देते हैं। ढककर पकाएंगे इसे। चावल में हम 1 चम्मच के करीब नमक मिला देंगे और इसको पकाएंगे। हम चावल को चेक कर लेते हैं। हमने बीच में एक बार और चलाया भी है चावल को। ये देखिए चावल हमारा थोड़ा बहुत कच्चापन ही होना चाहिए चावल के अंदर, तभी हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने थोड़े से चावल निकाल लिया है एक बाउल में। ये देखिए अभी चावल हमारा अच्छी तरह से पका नहीं है, इसमें कच्चापन है। इस स्टेज पर हमारे गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और चावल को किसी थाली में या फिर कटोरे में हम छान लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ आलू भी ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से इस आलू हमने कट करके लिए, थोड़े से जो बड़े हैं वो कट कर लिया है, बाकी जो छोटे हैं वो इस तरीके से हैं। आप आलू में हल्दी पाउडर लेंगे, इसके अंदर मिर्ची लेंगे, गरम मसाला सब में से 1/2 चम्मच हमने लिया है, नमक, 1 चम्मच सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए मैंने यहाँ प्याज लिए, ये 7 प्याज हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है। इसमें से मैं आधे प्याज को ग्राइंडर में पीस लूँगी। और आधे प्याज को मैंने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ 7 से 8, अदरक के 4 टुकड़े लिए हैं, 4 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी हम पीस लेते हैं कट करके। हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हमने रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए।
सबसे पहले मैंने यहाँ काजू लिए हैं थोड़े से, इसे भी हम भून लेंगे। अगर आपके पास काजू नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट आ जाता है बिरयानी में, इस वजह से हमें काजू थोड़ा डालना चाहिए। काजू हमारे हो गए हैं, चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। देखिए इसे हम भूनेंगे। प्याज में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, जो जल्दी भुन जाए। प्याज हमारे भुन गए हैं और ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और प्याज को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्याज हमारे भुन जाने चाहिए। सेम कढ़ाई लिया है, अब हम इसमें डालेंगे आलू, देखिए जिसे हमने मसालों में अच्छी तरह से मिला के रखा था। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं आलू को। आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए तो हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। पतीला के अंदर हम तेल डालेंगे। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, तेल यहाँ मैंने बड़ी चम्मच से 4 चम्मच के करीबन डाला है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 4 से 5, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, इन्हें भी हम भून लेंगे। देखिए भून गए हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज जो हमने पीस के रख रखे थे, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। प्याज को हम थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, देखिए अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट, इन्हें भी हम भूनेंगे। टमाटर को भी और काजू को भी हमने करीबन 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, यहाँ मैं ले रही हूँ मसाले, ये 3 चम्मच लिए हैं धनिया, 2 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ध्यान रखिएगा हमने पहले भी आलू में मसालों में हमने नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए ध्यान से ही नमक डालिएगा। इसे मिला लेते हैं नमक को। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीबन, इसे भी हमने ऐड कर लिया है, मिला लेंगे। मसालों में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, 1/2 चम्मच से 1 चम्मच, और फिर से हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए मसालों में से तेल जो है निकलने लगे हैं, रिलीज होने लग गया है। देखिए अब हम डालेंगे इसके अंदर आलू जो हमने भून के रख रखे हैं। देखिए और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक
मसालों के साथ भून लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हमारे आलू दम बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आलू भी हमने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मिलाएंगे ये भुना हुआ प्याज, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए अब हम मसालों को, आधा मसालों को हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। देखिए अब हम इसमें मिलाएंगे चावल जो हमने पहले से ही बना के रख रखे हैं। चावल को मैंने चारों तरफ से रख दिया है, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर और मसाले डालेंगे जो हमने भुने हुए थे मसाले। देखिए ऐसे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, चारों तरफ से फैला देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज भुना हुआ। अब हम डालेंगे इसके ऊपर फिर से चावल, मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और इसके ऊपर मैंने क्या किया है कि ये ऑनियन का, प्याज का मैंने भुना हुआ प्याज डाला है और थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते डाले हैं, काजू डाले हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ से डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से दूध, ये देखिए। ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच डालेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है दूध। और थोड़े से इसके ऊपर डालेंगे कस्तूरी मेथी भी, थोड़ा सा इसके ऊपर से छिड़क देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हम गरम मसाला 1/2 चम्मच के करीबन। ये देखिए 3-4 चम्मच। ये देखिए अब हम इसे ढक देंगे। और इसे हम करीबन 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। चलिए बिरयानी को हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। ये देखिए ये 5 मिनट हो गए हैं, हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम कलर लगा देंगे, फूड कलर थोड़ा सा लगा देंगे चारों तरफ। इसे देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है बिरयानी का। चलिए मैं आप सभी को प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बिरयानी की चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टमाटर, अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, इन सभी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। बंद करने से पहले हम मिलाएंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे पीस लेंगे। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे बने हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।